गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर न्यू लोग। यहाँ पर रविना क्या है? गुड मॉर्निंग बोल दिया आपने। yes. सुबह का खाना बना रही है रविना। शाम का भी बनाती है, दोपहर का बनाती है। मैं बीच बीच में थोड़ी बहुत ही हेल्प कर पाता हूँ इन द सेंस, मतलब इतनी नहीं करता, मुझे करनी चाहिए। धीरे धीरे मैं बढ़ा रहा हूँ चीजें, बर्तन वगैरह कर देता हूँ, लेकिन अभी सुबह से मैंने कुछ नहीं किया। तो रविना सब्जी बना रही है, उसने पहले बर्तन भी धोए, आलू को भी बना रही है, और मैंने पहले रात के वो गरम वाले जो घी था उसके बर्तन धोए। प्लस आज मैं आलू को भी अलग तरीके से बना रही हूँ। मैंने पहले गोभी में ऐसे नमक मिर्च और ऐसे मसाले से डाल के रख दिया उसको काट के। ओके, फिर उसको थोड़ा सा तेल लेके उसके अंदर अच्छे से फ्राई किया, डीप फ्राई नहीं, थोड़ा सा तेल में बस। ठीक है, अब मैं साइड में छोक रही हूँ आलू। पहले इसमें आलू जाएंगे, फिर ये वाली गोभी जाएगी। ओके, ये देखो कितनी टेस्टी लग रही है। भूख तो लगी है। कई बार होता है ना कि गोभी अंदर तक, मतलब अंदर तक नहीं जा पाती वो चीजें, नमक मिर्च वगैरह। तो मैंने ट्राई किया आज अंदर तक जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले से ही डाल के रख दिया। ठीक है। यस, आलू बाद में डालेंगे, ये क्या फ्राई की तरह हो गया क्या? सारा फ्राई की तरह हुआ, पर डीप फ्राई नहीं हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा तेल डाल के उसमें ही किया है। ओके ठीक है, ऐसा। ये इधर दूसरी चीज हो गई है, और बस फिर हम खाना खा के अमित अपने काम पे जाएगा, और मेरा 8:40 हो गया है, तो 8:40 पे मेरी क्लास है। ये वही काम कर रही है ना आग वाला? अरे तो जी, अभी जो है 2-4 बर्तन मैंने धोए थे, और उसके बाद मैंने धनिया काटा था। रेडी हो चुकी है रोटी और सब्जी भी बन चुकी है, खाना खाते हैं और फिर डिपार्टमेंट होने वाले हैं, और रविन्द्र को जो है क्लास लेनी है 8:40 में। दिखाओ कैसे लग रही है। हाँ, मुझे मैंने थोड़ी टेस्ट की तो ये बहुत टेस्टी है। टेस्ट वैसे ही है जैसा फ्राई का ही होता है, फ्राई वाले से कम है क्योंकि डीप फ्राई नहीं किया ना। बट अच्छा टेस्ट है, इट्स यम्मी। चलो, यू कैन आल्सो ट्राई, आप भी घर पे बना सकते हैं। बता दीजिए एक बार कैसा बना है खाना। टेस्टी बना, यम्मी यम्मी। ये मिडवे है ना, फ्राइड का और नॉर्मल का। हाँ, तो सेमी फ्राइड बोल सकते हैं। कुछ भी, ये बहुत टेस्टी लगा है। 8:20-25 हो चुके हैं, जल्दी जाइए आप और से बाय बाय, मिलते हैं शाम को। ये हैप्पी रहो। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, हो गई है जी शाम, 8:30 बज गई है शाम के। इधर हैं मास्टर जी, सर जी, अमित, और अमित जो है अभी सो रहा था, 1 घंटे के लिए सोया क्योंकि वो बहुत टायर्ड हो गया था। एम आई राइट? सो आज है मंडे एंड अभी इसको भूखने, क्योंकि इसने खाना कब खाया था? पौने पांच बजे खाना खाया था। शाबाश, खाना मतलब लंच जो मैंने पैक करके दिया था सुबह। ठीक है, सो 4:45 इसने खाया था, तो इसको भूख नहीं है ज्यादा, और मेरा ओके है क्योंकि मैं बीच में फ्रूट्स वगैरह खाते रहती हूँ। वो कल वाले ब्रेड बचे हुए, क्या बोला तूने? वो खाने शाबाश, कल वाले ब्रेड भी बचे हुए हैं अगर ये इंटरेस्टेड हो तो। अदरवाइज मैं ओट्स बना रही हूँ। कदर करनी चाहिए, ओट्स कैसे टेस्ट करते हैं, अच्छे लगेंगे नहीं लगेंगे वो फिर मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ढंग से कभी खाए नहीं है। ब्रेड एक बार खाए थे, पर वो ओट्स और मैगी मिक्स करके खाए थे। ब्रेड फर्स्ट, इसने ब्रेड खानी है, पर मैं ओट्स बनाऊंगी 1 पैकेट तो पक्का। ब्रेड फर्स्ट, क्या कर रहे हैं यार तू, सुन भी नहीं रहा उनको। ब्रेड फर्स्ट, ऐसा मेरे लिए ओट्स फर्स्ट, इसके लिए ब्रेड फर्स्ट, मेरे लिए ब्रेड सेकंड, इसके लिए ओट्स सेकंड। ठीक है, तू तो समझ गई प्यारी। हाँ, मेरी समझ गई। प्यारी समझ गई। अच्छा चलो, फिर मैं ओट्स बनाती हूँ एंड देन डन, इसको ब्रेड ला के देती हूँ, डन। हाँ जी, तो मैं आ गई हूँ ओट्स बनाने। बर्तन मैंने धो दिए हैं, तो ओट्स के लिए मैंने पानी रखा है, ये 1 मग रखा है, क्योंकि इन्होंने लिख रखा है 250 ml, यानी पाया जो है वो डालना है। ओके, उसके अलावा ये ओट्स का पैकेट है, जैसे मैगी का पैकेट होता है, इसको इसके अंदर डालना है। प्लस मैं एडिशनली मटर डाल रही हूँ, जैसे मैं मैगी या यिप्पी में डालती हूँ, क्योंकि इस पे लिख रखा है वेजीज ट्विस्ट, तो अकॉर्डिंगली इसमें होनी चाहिए सब्जियां, बट मुझे पता है नहीं होंगी, तो इसलिए मैं मटर तो बाहर से डाल देती हूँ, और 1 मिर्च डाल देती हूँ ताकि थोड़ा चटपटा सा बन जाए। ठीक है, देखते हैं फिर कैसा बनता है। यानी डाल दिया, अब इसको मिक्स कर लेते हैं, दैट्स इट। फिर इसे उबल जाएगा 4-5 मिनट में।
तो ये हो गया है रेडी। ये सूप जैसा ही ना बहुत जल्दी गाढ़ा हो गया था, बट मैंने स्लो करके इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे हिलाती रही मैं। और ये दलिये जैसा लग रहा है मुझे तो, नमकीन दलिये जैसा देखा जाए तो, बट मैंने मिर्च डाल दी ना एक, तो ये ज्यादा मुंह जलना हो गया। अब मैं अमित के पास लेके जाती हूँ इसको टेस्ट कराने को। ये अब अमित इसको टेस्ट करके बताएगा। तुम सैड क्यों बैठे हो, स्माइल करो। सैड नहीं बैठा, ये आज नींद के और थकान के मोड में है तो इसमें स्माइल नहीं आ रही। अरे स्माइल करो। आ गई। तुम्हारे साइड मूड कौन देखने आता है आ, हुँ, ये हुँ, हुँ, नहीं नकली भी मत करो। बस अभी तुमने कहा मैं क्या करूं। तो ये दलिये जैसा जो दिख रहा है सामान, इसको ओट्स बोलते हैं। वैसे तो सुनने में आया है कि बहुत हेल्दी होता है। मिर्ची हाँ डाली है, तुम्हें मम्मी की याद आ जाएगी क्योंकि वो डालते हैं ज्यादा मिर्ची। हाँ भाई मिर्ची एक्स्ट्रा है भाई, ज्यादा है मिर्ची। मुझे ऐसा लग रहा है इसमें मिर्ची थी ना पहले से, मैंने नमक वगैरह कुछ नहीं डाला। हरी मिर्च डाली यार, तो मैंने एक हरी मिर्च डाल दी। शाबाश, दिख तो रही नहीं हरी। ये जो ये हरी मिर्च जो लाल हो गई थी वो है, ये जो लाल लाल दिख रहा है ये मिर्च है। ये क्या है, ये कैसी थी, हरी थी पहले, लाल कैसे होगी, पड़े पड़े और वो बहुत सुंदर भी लग रही थी तो मैंने फिर लाल वाली डाल दी कि दिखे तो, क्योंकि मटर हो गई हरी तो ये जो लाल लाल आपको दिख रहा है ये गाजर के बारे में स्पेशल क्या है। ओट्स के बारे में स्पेशल ये है कि ये हेल्दी है और तुम खाए जा रहे हो इनको जबकि तुम्हें खाना भी नहीं था, इतना टेस्ट के लिए दिया था। अच्छे लग रहे हैं, ठीक लग रहे हैं। रियली चलो मेरा हलवा कंपनसेशन हो गया। पहली बार खाए हमने, नहीं पहले वो अच्छे नहीं लगे थे क्योंकि उसमें मटर वगैरह नहीं थे तो फिर उसमें फिर मैगी मिलानी पड़ी थी। कोई बात नहीं अच्छे हैं, टेस्टी हैं ये तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। थोड़ी मिर्च ज्यादा है आगे से, मतलब इस मसाला ओट्स में कुछ भी नहीं डालना, बस पानी में डाल दो और मटर डाल लो ज्यादा से ज्यादा या गाजर डाल लो काट के। कितना पानी है, एक ग्लास, एक पैक में, एक पैक में एक ग्लास पानी। और ना ये हिलाते जल्दी से बन गए थे ये बहुत जल्दी, फिर मुझे स्लो करने पड़े क्योंकि मैं फोन पे बात कर रही थी। ठीक है, ठीक है, चलो बढ़िया है, रिव्यू बेस्ट है, थम्स अप दो, मैंने अच्छा बनाया मस्त, क्योंकि जब मैं खराब बनाती हूँ तब ये 100 बार गिनवाता है। सही पकड़े हैं। नहीं नहीं यार रवि ना मूड खराब हो गया ना, मीठा मीठा हो गया ना ऐसे ऐसे। कैसी हो तुम बताओ, ऐसा मैं बहुत अच्छी हूँ। तो ये बहुत अच्छा बना है, आप लोग भी बना सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। हम मिलते हैं कल सुबह, अभी हम काम करेंगे, अमित भी वीडियो बनाएगा, मेरे को भी पीपीटी बनानी है, सुबह मेरे को क्लास लेनी है और मेरे को ये ओट्स भी खाना है, ये खत्म कर जाए उससे पहले। मैं तो बस खाऊंगा नहीं, टेस्ट किया था। अब आप लोगों के सामने ऑन रिकॉर्ड ये बात है कि इतनी देर से ये इंसान लगा हुआ है और ये इसकी टेस्टिंग है सर। हाँ टेस्ट करना चाहिए भी, रवीना के लिए हेल्दी देखो, है देखो, देखो 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 शर्म नहीं है कतई, तुम्हारे लिए हेल्दी भी तो होना चाहिए कुछ भी। तो मुझे प्रॉपर टेस्ट करना। थैंक यू, आपका ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी।